मेट्रो के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक सपना हमने देखा था, आप और हमने मिलकर एक सपना देखा था, उसका पहला चरण पूरा हुआ है और बहादुरगढ़ दिल्ली से मेट्रो से जुड़ा है। मैं समझता हूँ कि पहला चरण एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए। मैं मेट्रो के लिए आप सबको पूरे भागीरथ वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि मेट्रो रेल भागीरथ में आई। आप सब जानते हैं कार्यक्रम हुआ मेट्रो का, उसमें सरकार ने मुझे आने का एक निमंत्रण दिया। बाढ़सा के अंदर भी मुझे जब एम्स का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था तब भी मेरे को निमंत्रण दिया सरकार ने। हालांकि वो भी हमारे समय से चल रहा था प्रोजेक्ट, जो भी हमारे समय का था आपको पता है, मगर सरकार बदलती है, प्रजातंत्र में नई सरकार को जो सरकार होती है वो अपने कार्यक्रम करती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। नई सरकार आई, बाढ़सा के अंदर निमंत्रण दिया, जिस दिन कार्यक्रम था एम्स का उस दिन कैंसिल कर दिया निमंत्रण और कहा कि एमपी साहब आपको नहीं आना। मैंने कहा कि इश्तिहार अखबार में छपा है, सभी नागरिक आमंत्रित है, आप मेरा निमंत्रण कैंसिल कर रहे हो, बताओ सांसद, मैं नागरिकों के साथ आ जाता हूँ, क्योंकि ये बड़े मैंने खून पसीने से मेहनत करके 6-7 साल मेहनत करके बड़े बड़े प्रदेशों से लड़ाई लेकर जो इसको अपने लेके जाना चाहते थे, और इंडिया मेडिकल यहाँ पे जय भाषा में हम लेके आए हैं और भूमि पूजन हो रही है कैंसर इंस्टीट्यूट की। और आने वाले समय में आपको यह जानकारी देता हूँ कि प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने मंजूर कराया था, जो भारत सरकार की कैबिनेट से मंजूर कराया था, ये एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 10,000 करोड़ की लागत से, 2,000 करोड़ का काम वापस हो रहा है, 10,000 करोड़ की लागत से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो भी बन रहा है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट भी यहाँ बनेगा पूरे देश का सबसे बड़ा, नेशनल एजिंग इंस्टीट्यूट बड़े बुजुर्गों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ताकि गरीब आदमी की सुविधाएं, और ऑल इंडिया मेडिकल जो एम्स मेडिकल कॉलेज है, एम्स मेडिकल कॉलेज के 4 गुना बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यहाँ बनेगा मानसा है। आने वाले दिनों में इन्होंने तो केवल जिस पे हमने काम शुरू कराया था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, केवल उस पर काम आगे बढ़ाया है, जो मंजूर चुका है इन्होंने लगभग 2,000 करोड़ का जो काम चल रहा है, मगर जो 10,000 करोड़ का जो मंजूर चुका है बाकी कोई प्रोजेक्ट मिल रहा छेड़ा नहीं। मगर बढ़ा मैंने कहा कि मेरे को आने को नागरिकों के साथ बैठ जाऊंगा, उन्होंने कहा कि साहब आपके आने पे सरकार ने बैन लगा दिया। तो मैंने कहा भाई जिस आदमी ने प्रोजेक्ट मंजूर कराया है वो उस आदमी के आने का बैन आपने लगा दिया, मैं कोई आतंकवादी नहीं भाई, मैं आगे को गलत बात नहीं कहूंगा, मैं इन्होंने आने पे बैन लगा दिया। मुझे उसके बाद खुशी हुई, हालांकि ये मेट्रो आपको पता है मेट्रो 2 साल देरी से 2.5 साल देरी से भागलपुर पहुंची है, और जब मेट्रो की आई तो सरकार ने कहा कि आपको आना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इस बार निमंत्रण तो कैंसिल नहीं होगा। तो मुझे बताया गया अधिकारियों ने, नहीं एमपी साहब इस बार मेरा व्यवहार पूछ लो, बोले नहीं इस बार निमंत्रण कैंसिल नहीं होगा, आप आइए, आपको जगह मिलेगी स्टेज पे और जो शिष्टाचार है बोलने का मौका मिला। उसके बाद सुबह मेरे को पता चला जब मैं अपने घर से चला, मेरे पास प्रोग्राम का डिटेल आई, मिनट टू मिनट प्रोग्राम थी, और मेरे को बताया गया कि भाई आप आ जाओ, आप बैठ जाना, आपका बोलने का कैंसिल कर दिया सरकार ने। मैंने कहा ये कैसी बात है, कहीं भी भारत सरकार का कोई प्रोजेक्ट होता है वहां के सांसद को स्वागत करने का, प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत करने का मौका मिलता है, और अपने क्षेत्र की कुछ मांगे और बात रखने का मौका मिलता है। और मैंने आपको पहले कहा था मैं गलत नहीं बोलूंगा, आज तक 14 साल से मैं लोकसभा में हूँ और लोकसभा में मैंने कोई एक भी आपत्तिजनक शब्द किसी के बारे में कहा हो तो मेरे को कोई उदाहरण दे सकता है, मैं आप मेरा ऐसे बोलने का नंबर भर जाते हैं। और मैंने कहा कि नहीं ये तो ऊपर से आदेश हुए हैं, आप आ जाओ, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए वो इनको हरियाणा सरकार को सोचना है, खट्टर सरकार को भी भाई वो हमें क्यों कहता क्यों नहीं कहता। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं क्या कहता, मैं यही बताता, मैं स्वागत करता, मैं ये भी धन्यवाद करता कि मेट्रो का प्रोजेक्ट आपने हमने शुरू कराया था मगर आपने कैंसिल नहीं किया, आप उसको पूरा कराया है, उस बात के लिए मैं निसंकोच धन्यवाद भी करता। और मैं ये भी कहता साथ में कि हमने अपने समय में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भागलपुर, आपको 4.5 साल हो गए, जो आखिरी खंभा जहां छोड़ के गए थे, नया एक खंभा
बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, चार शहरों को हमने जोड़ा था, कम से कम एक शहर को तो आप ही किसी को जोड़ने का काम मंजूरी दो, और अगर नहीं दोगे तो हमें एक खंभा बनाने की आप मंजूरी मंजूरी उसको मंजूरी दो। और मैं मान करता कि मेट्रो के विस्तार के लिए हमारे सपने का एक चरण पूरा हुआ, बहादुरगढ़ चार शहरों को जोड़ा गया, मगर चार शहर और अभी जोड़ने बाकी है। उत्तर दिशा में मेट्रो सोनीपत को मिलीगंज पहुंचे, बहादुरगढ़ की मेट्रो सापला से होते हुए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ सापला से होते हुए रोहतक तक पहुंचे, और नगरगढ़ की मेट्रो आगे बढ़ते एम्स बाढ़सा झज्जर तक पहुंचे, और जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ की मेट्रो है उसके पल्लव का विस्तार हो, और गुड़गांव से क्या है तो उसको बढ़ाकर आप मानेसर तक उस मेट्रो को आगे रेवाड़ी तक उस मेट्रो को बढ़ाने का काम करें। ये मांग मैं आपसे पूछता हूँ, ये मांग रखना जायज था कि नहीं था? और ये मैं कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथी प्रजातंत्र की इनके प्रहरी हैं, प्रजातंत्र की रक्षा आपके हाथ में है, अगर हमारी आवाज हमें बोलने का मौका नहीं मिला तो कम से कम ये हमारी मांग आपके माध्यम से आपकी कलम के माध्यम से, हम इतना अधिकार मांगते हैं आपसे कि आप हमारी आपकी कलम के माध्यम से ये मांग सरकार तक पहुँचाए, और कहीं सरकार से छह महीने इस सरकार के बाकी है, इन प्रोजेक्ट को मंजूर करे सरकार, और नहीं तो छह महीने के बाद लोगों का आशीर्वाद मिला तो बहादुरगढ़ की मेट्रो को रोक कर हम पहुंचाने का काम करेंगे। चार शहरों को पहले जोड़ा था, चार शहरों को और जोड़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद आज धन्यवाद मैं चौधरी देवेंद्र सिंह हुड्डा जी देना चाहता हूं मन से, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब ये मेट्रो जब आगे बढ़ाने की बात आई तो दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने कहा कि मुंडका के आगे सवारी दिल्ली में नहीं है, और जितनी सवारी चाहिए दिल्ली में नहीं है, और ये मेट्रो 30 साल के बाद के प्लान लगी, 30 साल के बाद मुंडका के आगे सवारी होगी, तब तक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार मुंडका के आगे जो है देवरा टिगरी जो है टिगरी बॉर्डर पर यहाँ तक मेट्रो को बढ़ाने के पैसे नहीं दे सकती। हुड्डा साहब ने फैसला लिया, जो पहला फैसला दिल्ली मेट्रो विश्व की चौथी बड़ी मेट्रो बन चुकी है, और एक किलोमीटर भी सरकार ने मंजूर नहीं, मतलब चौथी बड़ी मेट्रो बन चुकी है, और उस चौथी बड़ी मेट्रो में एक ही लाइन ऐसी है मुंडका से लेकर बहादुरगढ़ तक, जहां दूसरे प्रदेश का पैसा भी हरियाणा सरकार ने हुड्डा सरकार ने जो मेरा फैसला किया 2000 करोड़ जो लाइन है मुंडका से आगे दिल्ली के अंदर की बाउंड्री की 2000 करोड़ की जो लाइन है मुंडका से लेकर बहादुरगढ़ तक की दिल्ली हरियाणा दोनों का पैसा, तो उसके देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं लंबी बात कोई राजनीतिक की बात नहीं, मगर बहादुरगढ़ की दो तीन बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ, और बहादुरगढ़ में वही हाल है जो पूरे देश प्रदेश में हाल है, नया काम इन्होंने 4.5 साल में किया नहीं, हरियाणा को विकास की तरफ लेकर जाने की बजाय ये पीछे लेके गए, आगे लेने के जाने की बजाय ये पीछे लेके गए। 2014 में जब पहली बार पूरी मेजोरिटी मिली सरकार को, लोगों ने विश्वास किया, पहली बार मेजोरिटी दी, लोगों ने जब सत्ता की चाबी इनको सौंपी उस समय हरियाणा विकास में देश में सबसे आगे तेज बढ़ता हुआ प्रदेश था, विकास दर में नंबर 1 था, आज विकास दर में हरियाणा नंबर 16 आ गए, निवेश दर में प्रति व्यक्ति निवेश कहीं एशियन कई तारीख की गई, पैनल सोनी तारीख की गई, योगो हमारा कंपनी आ रही थी, एनटीपीसी का कारखाना लग रहा था, एक न्यूक्लियर का कारखाना लग रहा था, कोई बादशाह में एम्स बन रहा था, झज्जर झाड़ी खानपुर के अंदर 20,000 करोड़ की लागत से कई थर्मल का प्लांट लग रहा था, कई रेल की लाइन बन रही थी, कई मेट्रो की गाड़ी आ रही थी, प्रति व्यक्ति निवेश के देश में 5 गुना गुजरात से आगे नंबर 1 पे था, आज प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 18 पे, खेल खिलाड़ियों के पदकों में और खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में सबसे आगे था, 700 खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर भर्ती किया गया था, 39 गोल्ड मेडल आए थे कॉमनवेल्थ में, 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए थे, कॉमनवेल्थ खेलों में जितने पाकिस्तान के मेडल आए थे उससे 2 गुना मेडल अकेले झज्जर जिले के आए थे, मैं खबर बताना चाहता हूँ, हरियाणा देश के लिए उदाहरण बन के आगे आ रहा था। आज इस सरकार ने खिलाड़ियों का तिरस्कार 4.5 साल में केवल 3 खिलाड़ियों को वो भी कोर्ट से भर्ती, वो खिलाड़ी कोई हमारे खिलाड़ी नहीं, वो खिलाड़ी वो कहते हैं कि भाई जो है खिलाड़ी हुड्डा साहब का बड़ा गोल जीत जीत जाते हैं, तो हमारे खिलाड़ी नहीं है, वो देश के खिलाड़ी है, वो देश का मान सम्मान है, मगर सरकार ने नहीं समझा विकास के पीछे
निवेश के पीछे प्रति व्यक्ति आय नारी आय नंबर एक उसमें पीछे 10 साल तक अमन चैन शांति के साथ आप गवाह इस बात से यहाँ पर गुंडागर्दी होती है बहादुरगढ़ में 10 साल उन्होंने बहादुरगढ़ की शक्ल देखी देखी दुर्गे बहादुरगढ़ से पलायन हो गया था पूरे हरियाणा से पलायन हो गया था अमन चैन शांति के साथ विकास और खुशहाली की तरफ हरियाणा बढ़ा भाईचारे के साथ 10 साल भाईचारे पे आज नहीं आने दिए 10 साल हरियाणा में फौज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी 10 साल हरियाणा में फायरिंग के आदेश की जरूरत नहीं पड़े और इस सरकार ने क्या किया आज हरियाणा जो विकास में नंबर एक था वो अपराध में महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर एक हो गया जो विकास में नंबर एक था आज कानून व्यवस्था की सत्ता में नंबर एक कानून व्यवस्था की सत्ता से जान माल के नुकसान में नंबर एक 4 साल में इनके कार्यकाल में 4 बार हरियाणा चला भाईचारे पे आग पहुंची लाखों करोड़ का नुकसान हुआ 76 लोगों में सरकार की गोली से अपनी जान गंवानी पड़ी 10 साल में गोली की बात तो दूर है किसी पे छर्रा चलाने का आदेश जो सरकार ने नहीं दिया हरियाणा को आगे लेके जाने के बजाय ये पीछे लेके गए और इसीलिए मैं कहता हूँ इनका एक नारा है काम की बात छोड़ो मैं बीजेपी वालों का काम की बात छोड़ो भाईचारा तोड़ो और हुड्डा साहब के कामों से अपना नाता जोड़ो जैसे मैं थोड़ा पीछा काट गए हमारा भी एक नारा है सब कुछ न्यौछावर कर देंगे पर भाईचारा तोड़ने नहीं देंगे सब कुछ न्यौछावर कर देंगे सब कुछ ये हमारी विचारधारा है तब करेंगे संघर्ष करेंगे हरियाणा में खुशहाली और विकास फिर बुलंद करेंगे उज्ज्वल नौजवान का भविष्य होगा फिर से नंबर वन हरियाणा होगा और जहां तक बहादुरगढ़ की बात है जहां तक बहादुरगढ़ की बात है नए प्रोजेक्ट को दूर की बात है प्रेस के साथ ही मौत का प्रभाव सुनता आता हो सका पुराने प्रोजेक्ट भी कैंसिल करने का काम हुआ यह काम हमारे धीमी गति से हुआ यह कैंसिल कर दिया एक तरफ का बाईपास हमने बनाया था बहादुरगढ़ को आपको नेशनल हाईवे इस तरफ का बाईपास बनाया था इस तरफ का बाईपास का नक्शा मंजूर करा दिया था उस पर आगे कार्रवाई होनी थी लाइन पार की तरफ का बाईपास वो बाईपास नहीं बनाया इन्होंने मात्र करीब 6 महीने वो बाईपास आप बनाओ नहीं तो शानदार बाईपास उस तरफ का भी हम आएंगे और पहला काम करेंगे उस तरफ का बाईपास बनाएंगे बहादुरगढ़ में अंडरपास एग्जैक्ट क्या नंबर है वो तो आप सबको पता है मेरा मतलब मेरे ख्याल हमारे सभी 30-34 करोड़ के करीब 34 करोड़ अंडर पास का मंजूर करा के पत्थर रख दिया था उस अंडर पास को 4.5 साल में बुलेट ट्रेन की बात करें मगर अंडर पास अभी तक नहीं बना हमारे समय राजीव गांधी शहरीकरण योजना ने बहादुरगढ़ को बनवाने का हमने काम किया था 50 शहरों को उसका नाम बदल गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हो गया सरकार है हालांकि मैं मानता हूँ कि शहादत राजीव जी ने भी दी है योगदान वाजपेयी जी का भी रहा है मगर उनके नाम से नई योजना शुरू करनी चाहिए अगर आपको करनी है आप सरकार ने नाम बदल दिया सरकार ने नाम बदल दिया मगर नाम के साथ काम तो करो अमृत योजना में राजीव गांधी विद्युतिक और राजीव गांधी शहरीकरण योजना के लगभग 250 करोड़ बहादुरगढ़ में आने थे आज तक उसका अमृत योजना तो आई मगर उसका अभी तक अता पता नहीं लगा इसी तरीके से अम्बेडकर स्टेडियम यहाँ अम्बेडकर स्टेडियम का जिस दिन नेत्र का पता रखा था उसी दिन अम्बेडकर स्टेडियम का पता रखा गया यहाँ पे और जो नक्शा था अम्बेडकर स्टेडियम का जैसे राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक के अंदर विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वैसा सेम टू सेम नक्शा यहाँ पे हमने मंजूर कराया था मगर उसमें भी कटौती कर दी हर चीज गांधी के नए काम लोग करते हैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ 6 महीने उसी नक्शे को लागू करो नहीं तो आएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अम्बेडकर स्टेडियम यहाँ पे जैसा मंजूर किया था उससे भी भव्य बनाने का हम काम करेंगे वेस्ट युवा ट्रेन के ऊपर सड़क 180 करोड़ की लागत से और ये सिंचाई विभाग से नगर पालिका को मुफ्त में सड़क दिलाने का काम हुआ था जैसे कि कॉस्ट पर ट्रांसफर कराने का काम और उसके ऊपर सड़क के उसके ऊपर पूरी बड़ी सड़क नगर सड़क भी गांधी बनाने का काम हो रहा है आपने पता है उसको कम कर दिया था सड़क को जो है कम बजट में और सड़क को जितनी चौड़ी थी उसको काट कर पतली सड़क बना रहे हैं मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तो कम से कम ऐसा काम मत करो हमने मंजूर पूरी चौड़ी सड़क कराई थी पूरी की पूरी जमीन नगर पालिका को दिलाई थी सिंचाई विभाग की पूरी सड़क बननी चाहिए हमें तो हम आएंगे जैसे हमने ये जो है बाकी जो प्रोजेक्ट करवाने का उसको सड़क को भी हम बनवाने का पूरी तरीके से काम करेंगे इसी तरीके से मैं समझता हूँ बहादुरगढ़ एक सपना हम देखते हैं कि
बहादुरगढ़ को देखते हो हरियाणा जी, हरियाणा के साथ से चमकते हुआ यह बहादुरगढ़ है। और हम उदाहरण देना चाहते हैं आने वाले समय में कि यहाँ का जीवन स्तर पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा हो, योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा सकता है। इसका उदाहरण देना चाहते हैं, इसी दिशा में मरे को केएमपी के आस पास बादशाह में नई सिटी बने, कुंडली में एजुकेशन सिटी बने, खरखौदा में आईएमसी बने, बहादुरगढ़ में साइबर सिटी बने, ये सोच के साइबर सिटी का प्लान आया था। कुछ कारण रह गए थे, मगर आने वाले समय में बहादुरगढ़ में साइबर सिटी बने, चारों तरफ बहादुर का विकास हो, एक तरफ जूनियर यूनिवर्सिटी का विकास हो और बहादुरगढ़ पूरे प्रदेश में और देश में एक उदाहरण के रूप में भी योजना का विकास नहीं हो सकता है तो बहादुरगढ़ जाकर देखो कहाँ हो सकता है। ये मैं समझता हूँ आज हम संकल्प लेते हैं मौके पर, आप सब इतनी गर्मी में और जो मेट्रो से जिस तरीके से जो 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 है कंधे पे उठाकर और जो आपने जो मान सम्मान किया और इतनी गर्मी में जो आज ये पसीना बहाया है, बाकी तो प्रदेश की राजनीतिक हालात के बारे में उदा साहब और जो है राजा साहब और सारे सीनियर लीडर गांधी साहब को बताएंगे।